अवगत कराने की थाना टीपी नगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक बिजली कर्मचारी के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अनावरण के लिए थाना टीपी नगर पुलिस एवं सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। इसमें सर्विलांस एवं सीसीटीवी कैमरे की मदद से 5 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। कल देर रात मुखबिर खास से सूचना मिली कि घटना में जो 3 अभियुक्त सम्मिलित थे वे वेद व्यासपुरी के जंगलों के पास एक पल्सर बाइक पर देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के वहां की घेराबंदी की गई एवं चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान 3 लोग जो कि एक पल्सर बाइक पर सवार थे आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, परंतु उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त जिसका नाम गौरव पुत्र डालचंद है उसके पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। साथ ही साथ कॉम्बी के बाद पंकज एवं कार्तिक को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि जो पंकज है वो एक संविदा कर्मी है बिजली विभाग में, और इसमें एक 2 और नाम प्रकाश में आए थे, सत्येंद्र एवं गौरव पुत्र ब्रह्मपाल। जो सत्येंद्र है उसने पूरी घटना की प्लानिंग की थी कार्तिक के साथ मिलकर, इसी ने ही बाकी 3 लोगों को बुलाया था। जो पल्सर बाइक थी उस पर गौरव पुत्र डालचंद एवं गौरव पुत्र ब्रह्मपाल एवं सत्येंद्र बैठे हुए थे, इन्होंने ही लूट की घटना कारित की थी। पंकज जो कि संविदा कर्मी है उसने मुखबिरी की थी। इनके पास से हमें जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो बरामद हुई है, पल्सर बाइक, एवं इसके साथ साथ हमें 3,04,000 रुपये और 2 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं। अभी 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं जिनका नाम सत्येंद्र एवं गौरव पुत्र ब्रह्मपाल है। इनको पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं, इन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।